वेलकम वेलकम टू पूजा स्लैश स्टाइल एसेंस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो आज मैं आपके साथ एक अमेज़न हॉल करने जा रही हूँ, जहाँ पे मैं आपके साथ बैग कलेक्शन शेयर करूंगी, जो कि सारे बैग्स अंडर 500 है। सो इसमें से आपको कोई भी बैग अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप उसे बाय कर सकते हैं। मैं सारे बैग्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो। जो मैंने अमेज़न से फर्स्ट बैग परचेस किया है वो है ये बैग पैक, और इस तरीके का ये स्मॉल स्लिंग बैग की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं एंड इस तरीके से भी कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे क्वालिटी वाइज। 417 रुपीज का ये बैग है। ऑल्सो इसकी जो जिप की क्वालिटी है काफी अच्छी है, और इसका जो जिप का होल्डर है वो भी काफी अच्छा है। सो ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है, ये ऐसे ही कुछ भी यू नो लोकल तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। काफी अच्छी क्वालिटी का बैग है, इसमें कलर्स ऑप्शंस भी अवेलेबल है। सो आप इस बैग को परचेस कर सकते हैं, मैं इसे आपको रिकमेंड कर सकती हूँ गाइस, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है प्राइस वाइज क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है बैग की, एंड काफी स्पेसिस है, डिजाइन एंड ऑल भी काफी अच्छा है। सो आप इस बैग के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट बैग इज ये स्लिंग बैग है, और ये भी लेदर का मटेरियल है, बट लेदर में भी बहुत सारी क्वालिटीज होती है गाइस, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रीमियम क्वालिटी का बैग है। और आप इसे इस तरीके से शॉर्ट चेन में भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट स्लिंग में, ऑल्सो आप इसे लॉन्ग स्लिंग में भी यूज कर सकते हैं। इसका जो बटन है काफी अच्छा है, लाइक अब तक का जो अमेज़न का परचेस है उसमें से इसने अच्छे से फील किया हुआ है, सो दैट ये बैग यू नो कंसिस्टेंटली रहे। आप इसे इस तरीके से स्लिंग बैग की तरह भी यूज कर सकते हैं, ऑल्सो आप इसे डबल करके इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये व्हाइट कलर का है, एंड व्हाइट कलर मेरा फेवरेट है यू नो बैग कलेक्शन में, बट अनफॉर्चुनेटली जो व्हाइट कलर के बैग्स होते हैं यू नो गंदे होने के चांसेस होते हैं। सो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है आपको अंडर 500 ही व्हाइट बैग परचेस करना चाहिए, सो दैट अगर आप यू नो 5 to 6 यूज में भी बहुत ज्यादा खराब हो गया या कुछ हो गया तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। सो अंडर 500 इसका प्राइस है 417 रुपीज। आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यू नो कलेक्शन आई मस्ट से। अगर आपको इस तरीके का कोई स्लिंग बैग चाहिए तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हैं 470 रुपीज। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी लगी। सो गो एंड चेक इट आउट। सो नेक्स्ट बैग इज दिस इज द हैंड बैग। ये मैंने परचेस किया है 333 रुपीज का, 333 रुपए का ये बैग है, एंड आई थिंक सो दिस इज अ गुड परचेस। ये एक हैंडबैग है, आप ऐसे ही कहीं पे भी जा रहे हैं जैसे बीच एंड ऑल, या फिर नॉर्मल ऐसे ही कहीं पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली इस तरीके का बैग आप कैरी कर सकते हैं। इवन ऑफिस में भी आप इसे कैरी कर सकते हैं, अगर आप एक अलग से टिफिन यू नो अपना कैरी करते हैं टिफिन बैग, तो इस तरीके का नॉर्मल हैंडबैग आप कैरी कर सकते हैं। और ये कैजुअल वेयर के लिए भी काफी अच्छा है, और ये काफी स्पेसेस भी है। इसका जो यू नो होल्डर है काफी अच्छा है, और ये एक इसमें कंपार्टमेंट मिलता है, काफी स्पेसेस है, तो आप ये बैग भी परचेस कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बट डेफिनेटली प्राइस वाइज जैसे कि 333 रुपीज का ये बैग है, तो आई थिंक सो 300 के हिसाब से इसकी क्वालिटी मटेरियल इज गुड। बट यहाँ पे अगेन मैं बोलूंगी जैसे व्हाइट बैग का हमें टेंशन होता है कि खराब हो जाएगा, सो इसी तरीके से यू नो होल्ड कर सकते हैं, सो आपका जो भी सामान होगा वो बाहर नहीं आएगा। सो या दिस इज ऑल्सो गुड। नेक्स्ट बैग है ये मैंने ये यहाँ पे इन्होंने ब्रांड का नेम दिया है सच्ची मुच्ची, बट जितने भी मैंने अमेज़न से अंडर 500 परचेस किया है गाइस, उसमें से ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है, और मुझे काफ़ी पसंद आया है ये बैग क्योंकि इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है। आई डोंट नो इन्होंने लेदर तो वहाँ पे मेंशन किया है, बट आई थिंक सो लेदर भी बहुत सारे वैरायटी के लेदर्स आते हैं, तो आई डोंट नो ये फॉक्स लेदर भी बोलते हैं कोई तो एक। सो इसमें भी जो जिप का ये है तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है, ऑल्सो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, एंड अगर मैं आपको ये निकाल के बताऊँ तो काफ़ी अच्छा स्पेस है, और अंदर आपको और एक जिप मिलता है, अंदर आपको और एक जिप मिलता है, तो आई थिंक सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परचेस। इसका प्राइस है 499 आई थिंक सो, सो अंडर 500 है ये भी, एंड ये स्लिंग बैग है, एंड आई थिंक सो कलर वाइज एवरीथिंग इज़ रियली नाइस। ये सारे आउटफिट पे आप इसे कैरी कर सकते हैं,
सो या दिस इज वन ऑफ द बेस्ट. मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगी. अगर आप अंडर 500 कोई स्लिंग बैग देख रहे थे तो ये सच्ची मुची ब्रांड का देखिए एंड बाय कीजिए, काफी अच्छी क्वालिटी का है. सो माई नेक्स्ट परचेज इज दिस इज अ शोल्डर बैग एंड आई थिंक सो ऑफिस के लिए काफी अच्छा बैग है. बहुत ही ज्यादा क्लासी एंड प्रोफेशनल लग रहा है एंड ब्लैक कलर के जो बैग्स होते हैं इसमें भी कलर्स अवेलेबल है गाइस. ये 499 रुपीस का है एंड ये प्राइस वाइज इट्स रियली गुड. काफी अच्छा बैग है, आप इसे इजिली यू नो शोल्डर बैग कैरी कर सकते हैं. इसमें भी एक ही कंपार्टमेंट है बट आई थिंक सो दिस इज स्पेसियस और अंदर भी आपको यू नो कंपार्टमेंट मिल जाते हैं अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए. सो आई थिंक सो अगर आप ऑफिस के लिए कोई बैग देख रहे हैं शोल्डर बैग तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हैं 499 रुपीज. एंड इस तरीके के बैग काफी वर्सेटाइल होते हैं एंड काफी क्लासी दिखते हैं बिकॉज यू नो ब्लैक इन कलर में आते हैं एंड ये लेदर में होते हैं, फॉक्स लेदर इसे बोलते हैं. और यहाँ पे एक आपको बो मिलता है जिसके वजह से आप यू नो रिबन मिलता है जो इसको बहुत ही ज्यादा क्लासी बनाता है. सो आई डोंट नो कैमरे में ये कैसा लग रहा है बट एक्चुअल में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है. आई एम नॉट श्योर इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, आई मीन टू से कि ये कितना अच्छा चलेगा और इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है. बट देखने में तो इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है बट इसे यूज करके ही समझेगा कि ये किस तरीके का बैग है. बट प्राइस वाइज इट्स रियली रियली गुड. अगर आप ऑफिस के लिए कोई बैग देख रहे हैं शोल्डर बैग तो डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. इस तरीके के बैग आपको परचेस करने चाहिए. एंड नेक्स्ट परचेस इज दिस इज वन ऑफ द गुड परचेस आई थिंक सो बिकॉज इसका प्राइस है 325 रुपीज. प्राइस वाइज ये बहुत ही अच्छा है. ये नायलॉन का एक क्रॉस बॉडी बैग है. आप इसे क्रॉस बॉडी बैग इजिली यू नो यहाँ पे आप इसे यू नो एडजस्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इस तरीके का बैग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा कैजुअल वेयर पे, जैसे आपने स्पोर्ट्स शू पहना है. और रेनी सीजन में इस तरीके के बैग आई थिंक सो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं. अभी इसमें सामान नहीं इसलिए ये शेप में अच्छा नहीं दिख रहा है बट जैसे ही आप इसमें स्टफ करेंगे डेफिनेटली ये बहुत अच्छी शेप में आएगा. और क्रॉस बॉडी के लिए काफी अच्छा बैग है, काफी अच्छा ऑप्शन है 325 रुपीज में. सो या आई विल हाईली रिकमेंड दिस बैग, बहुत ही ज्यादा अच्छा है. इसमें आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है एंड इसका भी जिप एंड ऑल काफी अच्छा है. यू नो क्वालिटी वाइज इट्स रियली रियली गुड. अंदर आपको यू नो और भी एक जिप मिलता है जहाँ पे आप अपने कैश एंड कार्ड्स को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं. सो या दिस इज ऑल्सो गुड बैग, आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं. सो या सो माय नेक्स्ट परचेज इज कैनवस टो बैग. सो टो बैग बहुत अच्छा होता है बिकॉज जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं या फिर आपके पास बहुत सारा स्टफ आप कैरी करते हैं तो डेफिनेटली आप कैनवस टो बैग के साथ जाइए. बिकॉज ये जो टो बैग है इसका जिप काफी अच्छा है और इसका प्राइस सिर्फ 325 रुपीस है. प्राइस वाइज इट्स रिजनेबल. इसमें जो यू नो यहाँ पे प्रिंट है काफी अच्छा लग रहा है. ऑल्सो आप इसे वॉश कर सकते हैं और बारिश में तो इस तरीके के बैग यूज करने चाहिए. ये काफी स्पेसियस है, आप बहुत सारा सामान इसके अंदर कैरी कर सकते हैं. ऑल्सो जब बारिश में आप इसे यूज करेंगे अगर ये बाहर से भीगता है तो अंदर का जो सामान है वो भीगेगा नहीं बिकॉज अंदर जो इसका मटेरियल यूज किया गया है दिस इज द नायलॉन मटेरियल. सो या दिस इज रियली रियली गुड एंड आई थिंक सो 325 रुपीज में ये परचेज करना काफी अच्छा है. सो या गो विद दिस बैग. नेक्स्ट एंड लास्ट परचेज इज दिस इज द जूट मटेरियल का ये बैग है जो आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा कैरी करते हुए एंड उसी का ये वर्जन है. बट मैं इसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ गाइज. ये बैग काफी अच्छा है, स्पेसियस लाइक एज यू कैन सी. अगर आप इसे इस तरीके से यू नो फोल्ड को निकालते हैं तो काफी स्पेस है इस बैग में. और जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली इस तरीके का बैग कैरी कर सकते हैं. या फिर बीच पे जाते हैं या फिर कहीं पे भी ऐसी आउटिंग के लिए जाते हैं तो इस तरीके का बैग आप यू नो कैरी कर सकते हैं जूट मटेरियल में जो इको फ्रेंडली होता है. एवरीथिंग इज गुड. प्राइस वाइज इट्स 499 रुपीज आई थिंक सो. सो मटेरियल वाइज एवरीथिंग प्रिंट एंड ऑल सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. बस मैं इस बैग के इस यू नो होल्डर से काफी डिसअपॉइंट हूँ बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है. सो मैं जब इसे इस तरीके से पकड़ रही हूँ तो इट ये बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है. लाइक मुझे ऐसा लगता है इसका जो होल्डर दिया है ये थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए. सो अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी. आप इसे इस तरीके से शोल्डर में आई थिंक सो कैरी कर सकते हैं बट इस तरीके से हैंड में लेके कैरी नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग लग रहा है, इतना बड़ा है. सो या मेरे लिए ये अनोइंग है. अगर आपको अच्छा लगा अदरवाइज मटेरियल एंड एवरीथिंग इज रियली रियली गुड. अगर आप शॉपिंग के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इस बैग को बाय कर सकते हैं. या
सो या गाइज, दिस इज माई अंडर 500 बैग कलेक्शन. आपको इसमें से कोई भी बैग अच्छा लगा होगा तो आप उसे बाय कर सकते हैं. मैं सारे बैग्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो या, दिस इज द कलेक्शन. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुंचे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज लाइफ स्टाइल एसेंस. बाय गाइज.